इस वक्त हमारे साथ आचार्य धर्मदी आर्य जी मौजूद हैं। जैसे आपको मालूम है कि श्राद्ध तर्पण महायज्ञ शुरू होने जा रहा है, इस सिलसिले में बताएंगे कि कहाँ कर रहे हैं और कितने दिन का, इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आचार्य नमस्कार। हरिद्वार जो पावन नगरी है, जो हरि की और हर की, शिव और विष्णु दोनों की ही नगरी मानी जाती है, उसी पावन भूमि पर श्राद्ध तर्पण महायज्ञ किया जा रहा है। यह जो यज्ञ है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के जितने भी पितृ हैं, सभी पितरों को शांति के लिए यह श्राद्ध तर्पण किया जा रहा है और उनसे राष्ट्र की उन्नति के आशीर्वाद के लिए, भारत की उन्नति के लिए और विश्व की शांति का उद्देश्य को लेकर यह श्राद्ध तर्पण किया जा रहा है। और हमारा एक उद्देश्य भी है कि इस बार से एक तर्पण अमर बलिदानियों के लिए। यह जो श्राद्ध तर्पण है, यह हमारा किसी भी एक विशेष धर्म का नहीं है, यह सभी धर्मों का है। और हम सभी धर्म, चाहे वह हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों या अन्य पारसी, जितने भी भारत के पितृ हैं, हम उन सब के लिए यह श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। अब से पहले क्या होता था कि जैसे मुस्लिम है, वह अपना सबरात है, उस पर अपने पूर्वजों को याद करते थे, हिंदू हैं अपने श्राद्ध जो 15 दिन के आते हैं इन पर याद करते हैं, ईसाइयों की भी अपनी कोई अलग व्यवस्था है। लेकिन यह ऐसा पहली बार हो रहा है जब से भारत 1000 सालों में, जब से भारत पर आक्रमण हो, उससे पहले शायद ऐसे हवन और यज्ञ का आयोजन होता था, लेकिन 1000 सालों के अंतराल के बाद यह एक नई परंपरा जो है, जो हमारी प्राचीन परंपरा, यह पुनः आरंभ हो रही है। कितने दिन की है ये, कितने दिन चलेगी? यह 12 से लेकर के 14 अक्टूबर तक यह प्रोग्राम चलेगा और इसमें हम सभी आप आमंत्रित हैं। जो हरिद्वार के रहने वाले हैं उनको छोड़कर जो बाहर से आएंगे, उनके रहने की, भोजन की और व्यवस्था है, लेकिन पूजन की पूर्ण व्यवस्था वह सभी के लिए है और भोजन की व्यवस्था भी सभी के लिए है, रहने की व्यवस्था हरिद्वार से बाहर से आगंतुकों के लिए है, क्योंकि हरिद्वार के तो लोकल हैं। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि 1000 साल में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि श्राद्ध एक साथ हो रहे हैं। हालांकि हिंदू अलग करते थे, मुसलमान चबरात पे ही अपने जो भी एक खास तरीका था उसमें, लेकिन इनके सौजन्य से पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, जो भी धर्म के लोग हैं, अपने बाप दादा को, अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।